दोस्तों, अगर आपने भी फार्मेसी कंप्लीट की है और आप सोच रहे कि आगे स्टडी करने का, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का आप सोच रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, फिर फार्माकोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, और एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों में दिलचस्पी होनी ज़रूरी है, और वो इस कोर्स में कौन सी चीज़ें ज़्यादातर सिखाई जाती है, तो वो है सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल, ड्रग डिज़ाइन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो अगर इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर एम फार्मेसी। तो अगर आपने सोचा है एम फार्मेसी करने का और इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप बिल्कुल कीजिए। यहाँ पे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर एम फार्मेसी आप करते हैं, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, फिर कोर्सेज की ड्यूरेशन, फिर उसका सिलेबस कैसा पैटर्न है, फिर यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है, उसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या कौन कौन सी इंडस्ट्री में आपको जॉब लग सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे स्टूडेंट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ, साथ में इंटरव्यू टिप्स के भी वीडियोस बनाता हूँ, और बिजनेस में जो लोग फार्मेसी के बाद बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप पैरामेडिकल या फार्मास्यूटिकल सेक्टर से या हेल्थ केयर सेक्टर से, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मेरी सारी वीडियो, सारी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ ड्यूरेशन की, कितने साल का ये कोर्स है। तो 2 साल का है, फुल टाइम कोर्स है या पार्ट टाइम भी कोर्स है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा फुल टाइम करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है दोस्तों। नेक्स्ट, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी जीपैट जो एग्ज़ाम रहती है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये क्वालिफाई करने के बाद उसके स्कोर पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट एडमिशन ले देते हैं दोस्तों। तो ये एग्ज़ाम आप बी फार्मेसी में थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं, फाइनल ईयर में भी दे सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी। अब बात करेंगे फीस की, तो मिनिमम 1 लाख टू 3 लाख इन बिटवीन फीस रहती है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर करती है। तो इसके सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, अगर इसमें एडमिशन मिल गया है तो सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। तो ये एक्चुअली सेमेस्टर पैटर्न है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर। तो फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो वो है मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, फिर आते हैं फार्मास्यूटिकल बायोस्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर ड्रग रेगुलेटरी अफेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, फिर आपको सिखाया जाएगा एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आपको सिखाया जाएगा ड्रग डिज़ाइन। ये हो गए सेमेस्टर 1 में। सेमेस्टर 2 में कौन से सब्जेक्ट आपको सिखाए जाएंगे, तो है एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री, फिर आपको सिखाया जाएगा नेचुरल प्रोडक्ट्स, और फिर आपको सिखाया जाएगा पॉलीमर एंड बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हो गया सेकंड सेमेस्टर के बारे में। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर एक्चुअली डिसर्शन एंड वाइवा वोस, या मतलब प्रोजेक्ट बनाने में, वो प्रेजेंट करने में जाती है दोस्तों। तो ये हो गया सब्जेक्ट के बारे में। अब मैं बताऊंगा आपका ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद कहां, किस किस सेक्टर में आपको करियर कर सकते हैं आप। तो वहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप करियर कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब लग सकता है, तो वो है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में लग सकता है दोस्तों, और फिर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, ऐसा ये भी आप जॉब, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आए बटन पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल में जानेंगे उस जॉब के डिस्क्रिप्शन। तो नेक्स्ट जॉब है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लेकिन यहाँ पे कौन सा काम आप करेंगे, तो वो है फार्मुलेशन, ड्रग डिस्कवरी भी आप कर सकते हैं, फिर आप एनालिटिकल हर्बल रिसर्च, यहाँ पे भी आप करियर कर सकते हैं। तो ये होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में। अब नेक्स्ट सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पे बहुत सारे एम्पल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। पहला है ड्रग इंस्पेक्टर, आप बन सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके, आपके स्टेट के एग्ज़ाम या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम, ये कौन से भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करेंगे तो ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। नेक्स्ट आप बन सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, या आईपीएस की पोस्ट है ये भी आप बन सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। फिर नेशनल डिफेंस में भी जगह रहती है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। फिर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट जो रहता है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कस्टम ऑफिसर भी आप बन सकते हैं ये कोर्स कम्प्लीट करने के बाद। तो ये हो गया गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। अब बात करेंगे एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स मतलब इंस्टीट्यूट में आप एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं, एक्चुअल लेक्चरर प्रोफेसर जो भी आप पोस्टिंग होती है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर आप बन सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आप बिजनेस करना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं। एक तो रिटेल स्टोर भी आप ओपन कर सकते हैं, फिर होलसेल स्टोर भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एपीएस सप्लाई करते हैं उसका लाइसेंस भी आपको मिल सकता है, वो भी आप कर सकते हैं, या खुद मैन्युफैक्चरिंग का भी प्लांट आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से आगे जाके बायोटेक्नोलॉजी में भी आप यहाँ पे करियर कर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन से डिपार्टमेंट में आप करियर कर सकते हैं, तो वो है डाउनस्ट्रीम जो प्रोसेसिंग जो डिपार्टमेंट रहते हैं वहाँ पे भी आप करियर कर सकते हैं, और जेनेटिक इंजीनियरिंग के सेक्टर में आप करियर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल्स में बताया, एम फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको करियर करना है तो ये सारे अपॉर्चुनिटी है, सब्जेक्ट है। अब मैं बात करता हूँ यूनिवर्सिटी के बारे में, कौन सी वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपका करियर ब्राइट। तो पहली यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस चंडीगढ़, सेकंड है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, थर्ड है मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस मणिपाल, फोर्थ है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुंबई, फिफ्थ है जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी, सिक्स्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी, सेवन्थ है एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी अहमदाबाद, फिर आती है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, फिर आती है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी पुणे, और फिर आती है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस न्यू दिल्ली। इंस्टीट्यूट के बाद कौन सी कंपनी रिक्रूट कर सकती है आप, इसके बारे में एक बार मैं बता देता हूँ। तो वहाँ पे आप रैनबैक्सी में अप्लाई कर सकते हैं, डाबर में अप्लाई कर सकते हैं, बायोकॉन जैसे बायोटेक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटास में अप्लाई कर सकते हैं, ग्लेनमार्क लैक्सो, सो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्राइट फ्यूचर वाला जॉब है दोस्तों। तो अगर आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एम फार्मेसी करने का सोचा है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में पूछे दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।